हमारा देश आज हर चीज में कितनी तरक्की कर चुका है, मॉडर्न हो गया है, लेकिन आज भी ज्यादातर औरतें यूरिन इन्फेक्शन जैसी जरूरी चीज के बारे में बात करने से कतराती हैं, और जब तकलीफ बढ़ जाती है तो कई बार उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ता है। वैसे तो यूरिन इन्फेक्शन का इलाज बहुत आसान है, लेकिन समय पर इलाज ना करने से समस्या कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसलिए इसके इलाज में देर बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर किसी औरत को यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो यूरिन से रिलेटेड ही शिकायत करे, उसे पैरों में दर्द, कमर में दर्द की भी शिकायत हो सकती है। ऐसे में जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो कई बार डॉक्टर उसे कैल्शियम और विटामिन्स की दवाइयाँ दे देते हैं। वो उनसे ये नहीं पूछते कि तुम्हारे यूरिन से कोई स्मेल तो नहीं आ रही। ऐसे में जानकारी की कमी की वजह से उसका इलाज सही से नहीं हो पाता और समस्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको यही बताऊंगी, औरतों में यूरिन इन्फेक्शन कब, कैसे और क्यों होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यूटीआई के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी कि यूटीआई, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे कि किडनी, ब्लैडर या यूट्रस। एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 50% औरतों को जीवन में कभी ना कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता ही है। इसलिए औरतों को यूरिन इन्फेक्शन के कारण, बचाव और उसके सही इलाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पर यूरिन इन्फेक्शन ब्लैडर तक ही सीमित रहता है, लेकिन इसका इलाज अगर टाइम पर नहीं किया गया तो फिर इसका बुरा असर आपकी किडनी पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपको यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण पता होने चाहिए ताकि आप उन्हें इजीली पहचान सके। आइए हम ये जानते हैं कि यूटीआई के लक्षण कौन कौन से होते हैं। जब तक यूरिन इन्फेक्शन ब्लैडर तक सीमित रहता है तब तक यूटीआई के ये वाले लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि यूरिन करते समय जलन फील होना या प्राइवेट पार्ट में खुजली होना, बदबू आना या बार बार टॉयलेट जाना, और यूरिन में खून आना या यूरिन इन्फेक्शन के किडनी तक फैल जाने पर ठंड लगना और कपकपी के साथ तेज बुखार आना, पेट दर्द, थकान, बदन दर्द, मतली, ऐसे लक्षण दिखाई देना। ऐसे में यूरिनरी इन्फेक्शन की समस्या तब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब इसके लक्षण एबनॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कमर दर्द, पैरों में दर्द। ऐसी सिचुएशन में आपको कई बार यूरिन इन्फेक्शन का पता ही नहीं चल पाता और जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए जानते हैं यूटीआई के कारण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर यूटीआई का सबसे बड़ा कारण है बैक्टीरिया का यूरिनरी से ब्लैडर में पहुँच जाना, जिसके कई कारण होते हैं, जैसे कि सेक्सुअली एक्टिव औरतों को यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि कई औरतें रिलेशन बनाते हुए हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं और रिलेशन बनाने के बाद प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं। जो लड़कियां पानी कम पीती हैं या फिर अपने यूरिन को रोक कर रखती हैं, उन्हें यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, और जिन औरतों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही जिन औरतों को लंबे समय से डायबिटीज़ है या फिर जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, ऐसे में उनका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता, इसके कारण उन्हें यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। कई बार मेनोपॉज़ के बाद औरतों में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण कई औरतों में यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे में आदमियों की तुलना में औरतों की यूरिनरी की लंबाई छोटी होने के कारण उनमें यूटीआई का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि यूटीआई का इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स, यूटीआई का इलाज हमेशा ही डॉक्टर यूरिन और ब्लड टेस्ट के बाद ही करते हैं। इसके बाद इन्फेक्शन की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर इसका इलाज कर देते हैं, जिसमें डॉक्टर आपकी उम्र, लक्षणों की गंभीरता, यूटीआई का इतिहास देखते हुए बाकी सारे टेस्ट कराने की भी सलाह दे सकते हैं। इसमें अगर आपको हल्का बुखार है या आप खाने पीने में कैपेबल हैं तो आपको इसके लिए ओरल एंटीबायोटिक्स का एक छोटा सा कोर्स भी काफ़ी हो सकता है। लेकिन अगर आपको अनबियरेबल पेट दर्द, तेज बुखार, खाने पीने में मुश्किलें हो रही हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। इसमें एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि इलाज के बीच में अच्छा महसूस करने पर भी इलाज को ना रोकें, वरना फिर से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही एंटीबायोटिक्स के अलावा बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए आप खूब सारा पानी पिए, इससे आपको अच्छे तरीके से यूरिन आए और आपको यूटीआई में होने वाले दर्द से भी राहत मिल सके। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उनसे बात करें।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अगर आपको ये जानना है कि औरतों में वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं, जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।